जैसे कि हाँ अपने जीविकोपार्जन के लिए सभी व्यक्ति कोई ना कोई काम करते हैं, और काम कौन सा हो सकता है? या तो वो नौकरी करता होगा, व्यवसाय दूध करता है, काम कोई भी करता है, उसके द्वारा उसे पैसा प्राप्त होता है और पैसे को वो खर्च करता है, और खर्च करने के लिए बाजार जाता है, और बाजार में कौन आता है? ग्राहक आता है। मतलब ये है कि काम हम करते हैं, पैसे हम जुटाते हैं और बाजार में जाते हैं, तो हमें ग्राहक बन जाते हैं। अपने पैसे को ही देने के लिए हम ग्राहक का रूप होते हैं। तो अगर हम इस तरीके से कार्य करते हैं, तो अगर हम देखते हैं पुरानी बाजार व्यवस्था, परंपरागत बाजार, जहां पर अभी तक हम ऐसा काम करके बाजार में जाकर सामान को खरीदते थे, और ग्राहक हम ग्राहक का नाम हमें दिया जाता था, उसे बोलते थे ट्रेडिशनल मार्केट। कोई भी सामान फैक्ट्री में बनता है, और फैक्ट्री के माध्यम से बनने के बाद वो ग्राहक तक किस प्रकार पहुंचता है, उसके लिए एक चैन बना दी गई है। और वो चैन, जैसे मान लीजिए फैक्ट्री में कोई सामान 5 रुपए में उनको प्रॉफिट सहित कंप्लीट होकर वो तैयार होता है, और ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते वो 10 रुपए का हो जाता है। लेकिन वो ग्राहक तक कैसे पहुंचता है, उसका एक जरिया होता है, वो होता है एड और प्रचार। जब तक किसी भी चीज का प्रचार प्रसार नहीं होगा, तो वो ग्राहक तक नहीं पहुंचेगा। तो प्रचार प्रसार कौन करता है? बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी करती है, जिसको सब व्यक्ति जानते हैं, चाहे वो नेता हो, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो क्रिकेटर हो, कोई भी चीज जिसको सभी व्यक्ति जानते हैं, वो व्यक्ति प्रचार करता है। प्रचार करने के लिए वो कुछ ना कुछ राशि लेता है। फैक्ट्री से सामान सीधे ग्राहक तक नहीं आता है, सबसे पहले फैक्ट्री से सामान निकल कर सीएनडब जाता है। सीएनडब बड़ी बड़ी एजेंसियां होती हैं, वो भी कुछ ना कुछ पैसे लेती है, और सीएनडब से फिर सामान डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। डिस्ट्रीब्यूटर भी सेवा करने के लिए नहीं बैठा हुआ है, वह भी कुछ ना कुछ पैसे लेता है, और डिस्ट्रीब्यूटर से सामान होलसेलर के पास आता है। होलसेलर भी अपनी दुकान को चलाने के लिए कुछ ना कुछ पैसा लेता है, और होलसेलर से सामान छोटे छोटे रिटेलर के पास आता है, और रिटेलर भी अपना जीविकोपार्जन चलाने के लिए कुछ ना कुछ लेते हैं। तो फैक्ट्री में सामान 5 रुपए में बना हुआ, और 1 रुपए एड में चला गया, 1 रुपए सीएनडब में चला गया, 1 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर के पास चला गया, 1 रुपए होलसेलर के पास चला गया, 1 रुपए रिटेलर के पास चला गया, तो ग्राहक तक पहुंचने में उसे 10 रुपए में सामान मिलता। अगर इस ट्रेडिशनल मार्केट से हम व्यापार करते थे और अभी तक सामान को लेते थे, तो उसके हमको बहुत सारे नुकसान हुए हैं। पहला होता है एमआरपी पे सामान मिलना। ट्रेडिशनल मार्केट में हम सब सामान लेने जाते हैं, तो वो सारा का सामान मुझे एमआरपी पे मिलता है। अभी मैं एवरेस्ट का सांभर मसाला लेकर आया हुआ, उसमें लिखा था 34 रुपए, लेकिन दुकानदार ने एमआरपी से भी ज्यादा मुझे 35 रुपए में दिया हुआ, 1 रुपए मुझे रिटर्न नहीं किया हुआ, और ना ही उसके बदले हमें कुछ प्रोडक्ट दिया। तो सबसे पहला नुकसान तो ये होता है कि जो भी एमआरपी लिखी हुई होती है, उसी एमआरपी पे हमको सामान मिलता है। दूसरा होता है मिलावट युक्त सामान, क्योंकि इसमें एक चैन सिस्टम होता है। कंपनी या फैक्ट्री में सामान ओरिजिनल बनता है, लेकिन ग्राहक तक आते आते उसमें कुछ ना कुछ मिलावट हो जाती है, और वो मिलावट करने वाला कोई और नहीं होता है, जो ये चैन सिस्टम होता है उसके माध्यम से ही कुछ ना कुछ मिलावट हो जाती है। तीसरा होता है बहुत कम मात्रा में पक्का बिल का मिलना। जैसे मान लीजिए कि हम कोई सामान बड़े मॉल में लेने जाते हैं, या बहुत स्टैंडर्ड दुकान में लेने जाते हैं, तभी हमें अपने सामान का बिल मिलता है, और अगर हम छोटी दुकानों में सामान लेते रहते हैं, तो कभी भी हमें पक्का बिल इसका नहीं मिलता है। चौथा है मनी बैक गारंटी नहीं। सामान हम लेकर आए, मुझे सामान पसंद आया कि नहीं आया, इसको हम वापस नहीं कर सकते, दुकानदार बोलता आप सामान ले गए हैं, अब ये रिटर्न नहीं होता। पांचवा है पूरे समय ग्राहक की उपाधि मिलती है। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट में सामान को खरीदते रहते हैं, तो एक हमको बहुत अच्छा सा ग्राहक की उपाधि प्राप्त हो जाती है। जब तक हम सामान खरीदते रहेंगे, जब तक दुनिया में रहेंगे, और अगर इस पुरानी बाजार व्यवस्था में रहेंगे, तो मुझे बहुत अच्छा सा नाम मिलता है, वो होता है ग्राहक। फिर होता है खराब स्वास्थ्य। अगर मिलावट युक्त सामान का प्रयोग करेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी खराब होता है,
जिसके द्वारा हमारा ज्यादा से ज्यादा जो पैसा होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। इन सब नुकसान को देखते हुए हमारे आरसीएम ब्रांड में आरसीएम कंपनी के मालिक श्री टीसी छावड़ा जी ने एक कॉन्सेप्ट लेके आया जिसको बोलते हैं आरसीएम राइट कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, खरीदी का सही तरीका। उन्होंने कहा हुआ कि अगर हम डायरेक्ट जो फैक्ट्री में सामान मिलता है और डायरेक्ट हम अपने साझेदार तक पहुंचा दें, डायरेक्ट सेलर तक पहुंचा देंगे, तो जो ये बीच में बिचौलिए हैं ये बिचौलियों का पैसा बचेगा। तो यहाँ पर भी फैक्ट्री में सामान 5 का बनता है और डिस्ट्रीब्यूटर तक आते आते वो 10 का हो जाता है, लेकिन इसमें एक तरीके के माध्यम, एक सिस्टम के माध्यम से पैसा रिटर्न होता है। जैसे पुरानी बाजार व्यवस्था में फैक्ट्री में माल बनता था और इन 5 माध्यम से ग्राहक तक पहुंचता था, यहाँ पर भी फैक्ट्री में सामान बनता है लेकिन इसमें एक माध्यम कंपनी ने कहा हुआ, कुछ दूर आप आइए कुछ दूर हम आते हैं, और ये बाजार पुरानी बाजार व्यवस्था के चयन सिस्टम को समाप्त करते हैं। तो जो पुरानी बाजार व्यवस्था में C&F डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर था, वो कब कंपनी काम करने लगी है डिपो के माध्यम से, वंडर वर्ल्ड के माध्यम से, POC के माध्यम से, और उसका 5% जो पैसा होता है वो कंपनी इनको प्रोवाइड करती है ताकि अपना काम सही तरीके से कर सकें, और जो रिटेलर का काम होता था, प्रचार का काम होता था, वह डायरेक्ट सेलर को बना दिया गया हुआ है, और वही 45% पैसा जो होता है वो सीधे डायरेक्ट सेलर को प्राप्त हो जाता है। कंपनी बोलती है कि पुरानी बाजार व्यवस्था में इतने दिन आपने कार्य किया हुआ तो आपको सिर्फ ग्राहक की उपाधि प्राप्त हुई थी, अगर आप इस सिस्टम में आते, खरीदी का सही तरीका अपनाते हैं, तो आज से आपको ग्राहक नाम का शब्द यहाँ से अलग कर दिया जाता है और आपको हम साझेदार बना लेते हैं। बताइए कौन सी ऐसी कंपनी है जो अपने प्रोडक्शन में, अपने अपने काम में किसी व्यक्ति को साझेदार बनाए। अगर हम खरीदी का सही तरीका अपनाते हैं, आरसीएम कॉन्सेप्ट को लेते हैं, तो उसके हमको फायदा होते हैं। नंबर एक, MRP पर 10-20% की छूट। जैसे ही हमको इसमें हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है तो हमको MRP पे 10-20% की छूट काउंटर पर ही प्राप्त हो जाती है। दूसरा है मिलावट मुक्त सामान। अगर हम इस आरसीएम बिजनेस में जुड़ते हैं तो इसमें किसी प्रकार की मिलावट का कोई संभावना नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री से सीधे माल हमारे तक पहुंचता है, तो बीच में बिचौलिए ना होने के कारण इसमें कोई मिलावट नहीं होती है। तीसरा होता है 100% कर युक्त पक्का बिल। जब हम चाहे 1 रुपए का सामान लें, चाहे 1,000 का सामान लें, जैसे ही हम सामान लेते हैं तो जो हमें बिल मिलता है वो 100% टैक्सेबल होता है, जिसमें GST, SGST, CGST जो भी सेंटर का होता है, स्टेट का होता है, सभी प्रकार का टैक्स कटने के बाद हमें प्राप्त होता है। चौथा फायदा इसमें होता है 30 दिन की मनी बैक गारंटी। अगर हम कोई सामान ले जाते हैं, मान लीजिए कि 5 साबुन लेकर आए और हमने उसका उपयोग किया हुआ और एक साबुन का प्रयोग किया मुझे पसंद नहीं आई है, तो हम 4 साबुन 30 दिन के अंदर कभी भी वापस कर सकते हैं जाकर वहां पर, और अपना पैसा रिटर्न ले सकते हैं। पांचवा है 45% साझेदार की उपाधि। इसमें अगर हम इस बिजनेस से जुड़ते हैं तो हम 45% के कंपनी के शेयर होल्डर हो जाते हैं, हम साझेदार की हमें उपाधि प्राप्त हो जाती है। और छठवां होता अच्छा स्वास्थ्य। जब इन सामानों में कोई मिलावट नहीं होगी तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। तो हम सबको आरसीएम बिजनेस को अपनाना चाहिए क्योंकि इसमें फायदे ही फायदे हैं। अब ये आरसीएम से 45% का पैसा हमारे पास कैसे वापस आता है, इस चीज पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें होता है नंबर एक होता है परफॉर्मेंस बोनस। नंबर एक होता है परफॉर्मेंस बोनस, वो होता है 10-32% तक। अगर हम सिर्फ खर्चा करेंगे, जैसे अभी तक हम बाजार से कोई ना कोई सामान लाते थे तो हम खर्चा करते थे, उसके बदले हमको प्रोडक्ट मिलता था, उसी प्रकार से अगर हम इस आरसीएम बिजनेस से सामान को लेते हैं तो वहां पर हमको प्रोत्साहन राशि के रूप में 10-32% की छूट हमको मिल जाती है, और वो हमको एक कमीशन के रूप में आता है, और उसकी गणना जितनी टीम हमारी बड़ी होती जाती है उसके अनुसार से हमारा स्लैब भी चेंज हो जाता है। अगर हमको इसमें ऊंचे मुकाम पर जाना है, रॉयल्टी जैसी इनकम को लेना है या टेक्निकल जैसी इनकम को लेना है,
तो हमें इसमें खर्चा और चर्चा करना पड़ेगा। अगर हम खर्चा और चर्चा करते हैं तो इसके माध्यम से हमें 3 से 13% की रॉयल्टी और टेक्निकल राशि प्राप्त होती है और इस तरीके से हमारा 45% हमारे पास इनकम आना चालू हो जाती है। रॉयल्टी बोनस किस तरीके से मिलती है? जब अभी तक हम अगर सिंगल काम करते रहेंगे और एक चैन के माध्यम से सिर्फ सीधे आते रहेंगे तो उससे हमको सिर्फ परफॉर्मेंस बोनस मिलेगा। लेकिन अगर हम इसी में अगर कुछ लोगों को चर्चा करते हैं और खर्चा करते हैं और अपनी टीम में कई लैगों को ला देते हैं, तो जो मैन लैग होती है अगर उसमें 3,50,000 से ऊपर का बिजनेस हो जाता है और दूसरी लैग में 1,15,000 का बिजनेस हो जाता है, टोटल बिजनेस 4,65,000 का हो जाता है, तो हमको 3% की रॉयल्टी इनकम आने लगती है। अगर हमारा मैन लैग में 3.5 लाख बिजनेस वैल्यूम और अन्य लैग में 1,70,000 का बिजनेस वैल्यूम होता है और टोटल बिजनेस वैल्यूम 5,20,000 का होता है, तो हमें 4.5% की रॉयल्टी इनकम आती है। अगर हमारा मेन लैग में 3.5 लाख का बिजनेस और अन्य लैग में 2,60,000 का बिजनेस होता है तो टोटल बिजनेस 6,10,000 का हो जाता है, तो हमें 6% की बिजनेस वो आती है, रॉयल्टी आती है। और अगर हमारा 3.5 लाख का बिजनेस वैल्यूम 1 लैग में और 3.5 लाख का बिजनेस वैल्यूम 2 लैग में होता है, टोटल बिजनेस वैल्यूम 7 लाख बिजनेस का हो जाता है, तो हमें 8% की रॉयल्टी इनकम आती है। अगर हमारे पास रॉयल्टी इनकम आ जाती है, इसका मतलब है कि जब तक हम दुनिया में रहेंगे तो हमको मिलता रहेगा और जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो जिसको हम नॉमिनी बनाते जाएंगे उसको लगातार इनकम आती रहेगी। इसमें एक बात कहने का मतलब ये है सर कि जो भी हम बिजनेस करते हैं, एक चीज का हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर को ध्यान रखना होगा, अगर हम इसमें 100 बिजनेस वैल्यूम से अगर किसी का बिल काटते हैं तो अगर वो महीने भर में सिर्फ उसका 50 बिजनेस वैल्यूम, 30 बिजनेस वैल्यूम, 40 बिजनेस वैल्यूम रहता है, उस बिजनेस वैल्यूम की कोई गणना नहीं होती है, क्योंकि हमारा स्लैब भी चालू होता है 100 से लेकर 4,999 के बीच में, वो 10% होते हैं। तो हम सभी डिस्ट्रीब्यूटर को एक चीज के ध्यान रखना पड़ेगा, जब भी हम किसी का बिल काटें तो कम से कम 100 बिजनेस वैल्यूम का होना बहुत जरूरी है सर। और इसी के साथ सर मैं जितना मैंने आप सबसे सीखा हुआ वो मैंने इस प्लान के माध्यम से बताने की कोशिश की गई है सर, और आप सब ने मुझे धैर्य पूर्वक सुना हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर।